सलमान खान की फिल्में इस समय धूम मचा रही हैं। उनकी फिल्मों के कलेक्शन 300 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। दूसरी ओर शाहरुख खान की फिल्मों के लिए 200 करोड़ तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। वर्तमान में सलमान की फिल्मों के प्रदर्शन को देखा जाए तो शाहरुख की तुलना में सलमान खान बड़े सितारे हैं। शाहरुख के प्रशंसक ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाल ही में एक सौदा ऐसा हुआ है जिसके आधार पर शायद वे भी मान जाएंगे। कुछ दिन पहले सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट के म्यूजिकल राइट्स 20 करोड़ रुपए में बिकने की खबर आई थी। सोनी म्यूजिक ने इसे खरीदा। अब इसी कंपनी ने शाहरुख की आगामी फिल्म, जिसे इम्तियाज अली बना रहे हैं, के म्यूजिक राइट्स 15 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। जहां सलमान की ट्यूबलाइट में मात्र 3 गाने हैं, वहीं शाहरुख की फिल्म में गानों की संख्या अधिक है। बावजूद इसके शाहरुख की फिल्म को सलमान की फिल्म की तुलना में 5 करोड़ रुपए कम मिले हैं। ये अंतर स्टार वैल्यू के कारण आया है। सलमान की स्टार वैल्यू ज्यादा है, लिहाजा उनकी फिल्म के संगीत अधिकार ज्यादा दाम में बिके हैं।